हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शनिया सचान के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं, ये पुराने सोफ़ा के कवर से बहुत ही अच्छा सा यूज़ करेंगे। ये हमारे जो पुराने हो जाते हैं तो ये वेस्ट पड़े रहते हैं, तो इनका माल बहुत ही अच्छे से यूज़ में लाएंगे। तो ये देखिए, मेरा ट्रिपल वाला था जो बड़े वाले सोफ़े का होता है, तो उसको हमने इस तरह से दो पार्ट कट किए हैं, दो पार्ट को इक्वल कर लिया है और इसको कट कर लिया, एक पार्ट को हमने हटा दिया इससे। तो आप सभी लोग वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हमें भी देखने में अच्छा लगे कि आप वीडियो हमारा देख रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत सारी पुरानी वेस्ट चीज़ों से अपने लिए यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमें एक प्यारा सा बैग बनाना है इसका। आप कहीं भी जाएं तो ले जा सकते हैं, अगर शॉपिंग के लिए जाएं तो भी लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, इसको इसकी जो लेस लगी हुई थी इसको निकाल दिया है, दोनों पार्ट के उस से लेस को निकाल देंगे। ये हम अगर यूज़ करनी हो तो यूज़ भी हम इसको कर सकते हैं, ये नीचे दब जाती सिलाई में इसलिए हमने इसको हटा दिया है। इस तरह से हटाने के बाद अब दोनों पार्ट को हमें बराबर कर लेना है, और ये मेरा थोड़ा ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा थी तो इसको थोड़ा हटा दिया है हमने, तो उससे हम बेल्ट बना लेंगे। अब इसकी लंबाई है 21 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। तो ये जो दो पार्ट हमने कट किए तो ये थोड़े चौड़े भी थे, तो उसको हमने एक एक कट करके इसमें ऐड करके बेल्ट बना ली है। अब हम लेते हैं जेब, तो जेब को फिनिश करने के लिए हम साइड से थोड़े छोटे छोटे से कपड़े लेकर के इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी जेब किनारे से फिनिश हो जाएगी। इस तरह से लगा देंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से फिर से सिलाई लगा देंगे इसमें चारों साइड से, तो ये हमारी जिप फिनिश हो जाएगी। अब ये हमारी, ये देखिए हमारे जो ऊपर के पार्ट थे ये फोल्ड में सिले हुए थे, तो हमें इस पर जिप को जो है वो उल्टी रख के सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे ही रख देंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अब इसमें हम पहले बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो हम बीच मिडिल सेंटर ले लेंगे और सेंटर से हमने 4-4 इंच के दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। इस तरह से मार्क कर लेंगे और हमें यहीं पे बेल्ट को अटैच करना है। तो हमने नीचे साइड पे 4 इंच का माप ले लिया था और नीचे साइड तक ही हम थोड़ी सी बेल्ट को अटैच करेंगे, इस तरह से ऊपर से नहीं अटैच करेंगे, थोड़ी सी नीचे ले जाएंगे। इतनी लगभग 4 इंच की नीचे साइड पे अटैच कर लेंगे। इस दोनों साइड, दोनों जो हमारे ऊपर और नीचे का पार्ट है दोनों साइड पे हमें इसमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब ये देखिए हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब हम जो एक पार्ट में हमारी जिप नहीं अटैच थी उसमें हम जिप को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सीधा नीचे वाला पार्ट सीधा रखना, ऊपर वाला पार्ट उल्टा सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी इस पार्ट में भी जिप अटैच हो जाएगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट इस तरह से अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको उल्टा रख लेंगे और हमें इसमें तीनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है।
ये बहुत ही प्यारा सा बैग बनकर रेडी होगा और बहुत ही अच्छे से बनेगा। अच्छा स्टोरेज बैग भी इसको आप बना सकते हैं या आप ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। तो ये देखिए हमें तीनों साइड पे सिलाई लग गई है। अब हमने इस पे नीचे साइड से जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी सिलाई पे इंची टेप को रखते हुए हमें 3 इंच का मार्क लगाना है सिलाई से, नीचे से नहीं, सिलाई जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से 3 इंच का निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो नीचे का पोर्शन है बॉटम जो होता है वो थोड़ा अच्छा सा बनेगा। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लगा ली है हमने। अब हम इसको जिप को खोल करके इसको सीधा कर लेते हैं और आप इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके हम कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। मैंने इसमें कुछ भी रख के नहीं दिखाया है लेकिन ये बहुत ही अच्छा बैग बना है। इसका ये देखिए बॉटम है जो इसमें बहुत अच्छा स्पेस है ये देखिए। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये गोलाई पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसमें एक चाप की सिलाई लगा लेंगे चारों साइड में पूरे राउंड राउंड में। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें भी थोड़ी खुशी हो कि नहीं आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो आप बताइए इसमें आपको ये बैग बनाने की स्टाइल कैसी लगी, आइडिया आपको कैसा लगा। ये बहुत ही हम किसी भी कपड़े से इसी तरह से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।